अम्मा क्या खाई रे बाबा दावत में, पेट भर के खाई देख अम्मा। अल्लाह क्या हो रहा है ऐसा घुर्रा? क्या हो रहा है ऐसा घुर्रा? हाँ पूरी दावत चौपट कर दिया तुम। वो कई को चुड़ैल नहीं दिख रहा है तुम? मैं चुड़ैल दिख रही हूँ? हाँ चल झूठे, सब्जी ने मेरी तारीफ कर रहे थे वहाँ पे, क्या दिख रहे खाला, क्या दिख रहे बोल रहे थे। अजी तुम बुढ़ियों में बैठना छोड़ के वो जवान बच्चियों में कई को जाके बैठे जी? अपडेट हुई रे, अपडेट हुई। बुढ़ियों के पास बैठ बैठ के खूस और घर के बातें कुट 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 करते बैठते थे, पूरी दावत चौपट करते थे। पट्टियों में बैठ के सब कैसा चलाना सीख ली मैं, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्नैपचैट सब सीख ली जाके इसके से पट्टियों में बैठी थी मैं। पट्टियों में बैठे अच्छा करे, पहले तुम मेरे को ये बोलो पुरानी हवेली बन के कई गुने गए तुम वहां? पुरानी हवेली बन के? हां जी ये खाला बन के जाना था जी, और अच्छा दिखता था। अरे खाला तो बन के गई ना, खाली सिंपल सीधा साधा छोटा सा क्लचर लगा के मेरे मंजों की साड़ी पहन के गई रे, मेरे मंजों की। जब ही तो मैं बोलूं मर्दाने वाले जनाने में कई कुछ हां करे देखता। हां फिर वो लोग के ऊपर चढ़ के खानों में से देखा तो क्या है, पुरानी हवेली के सर का तुम जनाना पूरा देख, मर्दाना पूरा जनाने में झांक रहा था। हाँ। या अल्लाह यानी कि मेरे को देख रहा था। हाँ। अम्मा मेरे को पूछे ये कौन है बोल के पूछे, क्या तुम इनके बॉडीगार्ड है क्या पूछे? मैं बोला हाँ बोला। हाँ। तो इनु ऐसे कई को है पूछे? कौन कैसे है रे? तुम पप्पा की परी कई को है पूछे? पप्पा की परी ने रे? मैं बोला ये पप्पा की परी नहीं खालू की हुर परी है बोला। सही में? हाँ। स्मार्ट दिख रही थी बोल के पूरा मर्दाना झांक रहा था जनाने में। अरे वो वीडियोग्राफर का क्या हुआ, बार बार तू तुम्हारी खिंचा रहा था फोटो। मैं उसको बोली थोड़ा मेरे को रिकॉर्ड कर, थोड़ा मेरे को रिकॉर्ड कर, थोड़ा मेरे को रिकॉर्ड कर बोले तो मैं आ जाता फ्रेम में। हां सब में ज्यादा दावत में हिनुच खाए बोल के का रे? मैं का खाई, मैं डाइटिंग पे हूं मालूम है ना तेरे को? ओहो डाइटिंग भी स्टार्ट कर दिए जी तुम दावत में जाने को? डाइट पे थी देख, मैं दुबली पतली दिखने के वास्ते, ब्लाउज फिटिंग आने के वास्ते, ये साड़ी खूबसूरत दिखने के वास्ते। और गए तो गए, ये कुबड़ में उठा के भी लाए रिटर्न गिफ्ट। अच्छे दिख रहे बोल के ले लेके आई वहां पे, शादी में क्या जरूरत थी इसकी, डेकोरेशन वाला परेशान हो रहा होगा। गुलदस्ते कहां गए बोल के? पहले तुम ये बोलो तीसरे दस्तर पे बैठे, पहले दस्तर पे बैठे। देख रे तुन मैं को सी भी दावत में जाओ पहले दस्तरखान पे बैठती हूं। कई को बोलता पहले दस्तरखान पे दबा के खींच रहती बोल के पहले दस्तरखान पे बैठते तुम? नहीं रे पहले दस्तरखान पे देखचों का गरम गरम खाना निकलता। आओ बिरयानी अंदर का दाग लगे हुआ दूल्हा खाता आखिरी में मेन टेबल पे। कौन बोले रे दूल्हे कैसे गरम गरम निकालते, मैं तो दूल्हे के टेबल पे बैठने वाली थी, आखिरी टेबल दुल्हन का है था, देख दुल्हन दूल्हा को बिठाते। मगर मैं बोली अगर मैं लेट हो गई, मैं इतना ब्यूटीफुल रेडी हुई, 3-4 बजे रात को अगर मैं घर को निकलूंगी तो खाली पीली चुड़ैलों का असरात का साया मेरे पे पीली साड़ी पे पड़ जाएगा बोल के मैं साड़ी को देख के उल्टा वो कई को तैयार हुए जी तुम? मैं सिंपल तैयार हुई रे, अभी रेडी नहीं हुई रे। पुरानी बिल्डिंग को नवे कर लिया जी तुम? पुरानी बिल्डिंग को नवे कर ली मैं? बात करें मतलब वैसा नहीं जी, आज कोसे पार्लर को गए थे वो पूछ रहा हूं मैं। देख रे गिड्डा तून, मैं ना कोई पार्लर को गई ना कहीं मेकअप कराने को गई, सुबह उड़ते की साथ ही दुआ पढ़ने के बाद रिंग साबुन से पानी नहा के रेडी हुई, कुछ भी नहीं लग गई रे। अल्लाह का अल्लाह दिए सो मुंह पे रौनक है रे, ये रौनक को चांद चमकता समझाना। हाँ चांदो पहले मेरे को ये बोलो तुम। ओह नो गाड़े तो खबर नहीं भरती तेरे को बच्ची कई कुरे। मेरा मेन एजेंडा मेन पॉइंट क्या था मालूम, मैं पोटियों के पास जाके कई को बैठे पूछ, कई को बैठे कोसी बच्ची अच्छी है स्मार्ट है रिश्ता किसको लगाएंगे बोल के जाके बैठ के उन लोगों से मीटिंग मार रही थी। ओफो मुशायदा बन रहे तुम, इनके घर उनकी फोटो इनके घर। हाँ रे करना पड़ता, नहीं करे तो कैसा बच्चा दो। अब तक कितने रिश्ते लगे? वही तो नहीं हुआ, कितने भी लगे अनसक्सेसफुल हुए होंगे मेरे तो ख्याल से। सब सक्सेसफुल रहे, सब के 4-4, 6-6 बच्चे हैं सुना ना, पलट के नहीं देखते होंगे फिर तुम्हारे। हाँ शादी करके दे दिया बात। हाँ रे पोटियां मुंह जला लिए, पोटे बदवाया दे रहे कई को इसको करके दिए। वीडियो में तो भी बैठे तो एक आध बुड्ढी को एक आध बुड्ढे को लगा देना, नहीं वीडियो में बैठते तो फायदा होता था ना थोड़ा बहुत। नहीं जमती बुढ़ियों के साथ, आई बहुत है रोड पे पड़े हुए बुड्ढे कुंवारे।
तेरे मुंह में मट्टी पड़ो, खानदान की शादी में गए थे, बाजू वालों की दावत में गए थे, कुटने पता तूच कर रहा था सबसे ज्यादा। मगर कुछ भी बोल, वहां पे देखो असलम भाई ठहर के थे। नहीं सबसे पहले मैं अंदर जाते मेरे को देखे उनो, अस्सलाम वालेकुम बोले उनो, चेयर डाल के बिठाए उनो, खाने के टेबल पे भी रोज ठहर के थे। मेरे को बाहर उनकी दो बच्चियां शादी को है तो इसके बेटों की शादी कराना करते, इसके वास्ते मेरे को इज्जत दे रहे थे। और एक बोलो हामिद भाई है नहीं, उनका बेटा है नहीं, उन्हें भी मेरे को देख के नहीं पहचाना। मेरे को पूछा बाजी आपकी कोई छोटी बहन है तो बोलो ना। मैं बोली कहीं कुरे बाबा, अजी तुम तो इतने खूबसूरत, तुम्हारी बहन तो और खूबसूरत होंगी, रिश्ता लगाओ ना जी। मेरे छोटे भाई को पूछे, मैं बोली नहीं बा बिल्कुल भी नहीं, मेरी बहन नहीं है ना मेरा भाई है, सिंगल पीस वन एंड ओनली मई छोरे बाबा बोली मैं। तो उन्होंने पूछे खालू है क्या, चल दिए। मैं बोली खालू है रे बाबा, नहीं चले। उन्होंने कई को पूछा रे तू पूछी, तो उन्हें बोलने लगा जान दो लो, दिल को सदमा लगता तुम्हारे। बोला जा रे बाबा तेरी खबर बनो, तेरा मुर्दा निकालो बोल के उसको छोड़ के अंदर आके बैठी। देख मैं दूर से देखा तो तुम कैसे दिख रहे थे बोलो, ब्यूटीफुल दिख रही थी। नहीं नहीं बोलो, पहले झूठ बोलो, बोल पहले झूठ बोलता हूँ, बोल पहले बात तो तुम अच्छे दिख रहे थे सच्ची में। हाँ चुप रहे गुड्डे, तुम झूठे, सच बात सुनो। हाँ मेरे को तो तुम कैसे दिख रहे थे मालूम, दूर से दिखा तो तेरा मुर्दा निकल खबर बनो, मैं उन लोगों के गैंग की गुरु दिख रही थी रे। हाँ फिर वैसा मेकअप फॉप लगेगा तो वैसे आगरा लगा लिया तो कैसे रे, तो ऐसे कैसे ऐसे रे तो कैसे दिखूंगा जे। थोड़ा मेकअप कुछ भी मेकअप की अब करीसो दिख रही मैं, देखो सोना चांदी के कवर के अंदर लाल कवर रहता, उसका पेपर निकाल के खाली होठों को घसी, मुंह को क्रीम तक नहीं लगाई, कच्चे बाला है बोल के क्लचर लगाई। कितना चुन्ना थोपे सो तुम, चुप रे ऑडियंस नहीं देख रही क्या, ऑडियंस को नहीं मालूम है मेकअप करी, हाथ चूड़ियां तक नहीं पहनी, छड़ा नहीं पहनी, सेवन पीस का लच्छा नहीं पहनी, मेरे कंगन नहीं पहनी, अभी सोने के झुमके नहीं पहन के सिंपल सीधा साधा गई। कई को बोले तोरे गिडतून, मेरे को मालूम है लगा भरपूर चांद मीनार का लोकल सोना पहन के आके मेरे सामने पोजा मारते बोल के, इसके वजह से मैं खाली डायमंड का लच्छा पहन के सिंपल साड़ी, मेरे मंजों की साड़ी पहन के। अरे मंजों की साड़ी बोल तो क्या कम समझ रहा तू, आय हाय 30,000 से 40,000 की साड़ी है ये। आओ सही भी हां उन लगा पहनते से साड़ी मंगे ला दे दिख रहा है बोला, मेरा हड्डिया के को तोड़ने जी बताओ मत का कसर कसर कसर, तू मेरी जितना खाए मेरे ऊपर निकाल रहा पूरा, तू मेरे को शादी में ले जाना जो गलत करी, मैं घर में बिठा के तुम्हारे सनातिशनिया तो अब के दूसरी बार शादियों में वो काई को पूरा बूटे नीचे से ऊपर तक घूर रहा तुम्हारे को। सही में कौन जवान पट्टी है बोल के, सही में या अल्लाह देखने को जना तिरपट, एक जना लंगड़ा, एक जना हाथों से पाइच, एक जने को तो कुट्टी नहीं हाथा नहीं है पैरा नहीं है, बाजार को लेके जाना बोले तो थैली में डाल के लेके जाना, उन्हें भी नीचे से ऊपर तक घूर रहा था तुम्हारे को। हे ये सब लगा मेरे को कई को घूर रहे थे रे, आई है कौन आ गई बोल के जवान पट्टी। अरे तू फिर से मेरे को चिढ़ा रहा या मेरे को सर पे चढ़ा रहा, सही बोल रहा हूं जी। चुप कर रहे जान दे वो सब छोड़, दावत तो अटेंड कर ली है अपन, मस्त खा के भी आ गए। तेरे को एक बात बोलूं, मैं पूरी शादी के एल्बम के फोटो में मैच रहूंगी देख। मालूम हो जाता जो भी शादी रखे नहीं ये लगा ज्यादा खाए बोल के, खाए 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 क्या बोल रहा रे, मैं डाइट पे हूँ बोल के बोली ना। चुप एक चमचा बिरयानी का खाई, एक मच्छी का टुकड़ा खाई, एक चमचा हलीम खाई, दो चमचे कुर्बानी का मुट्ठा, और देखो सो कद्दू की खीर छी, उससे ज्यादा क्या करी तू बोल। मैं दुबली पतली दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ, वो तो सूरत से दिख रहा तुम्हारी, कितना खाए बोल के तेरे को भी भूख लग रही थी, इज्जत से 6 प्लेट बिरयानी खा लिया मैं भी। हां तू दिखने को इतना खाता इतना वो किसको नहीं दिखता, मैं खाती हूँ चोरी के होता मैं हो जाती भैंस के जैसी मोटी। अरे वो सब छोड़ वो तो खाने वाले भैंस के होते, वो सब छोड़ वो सब मतलब नहीं, तू पहले मेरे को ये बोल मैं ब्यूटीफुल दिख रही थी नहीं दिख रही थी। वो तो दिख रहे थे तुम पूरे बुड्ढे पे आंखें ऐसे हो गए थे, देखा ऐसे हो गए थे, कितने अच्छे दिख रहे थे तुम। अब तेरी प्रॉब्लम क्या है ये बोल, अच्छे दिख रहे बोल के तारीफ कर रहे तो अभी तारीफ ही ना करना, सच्ची तारीफ नहीं ना करना गाइस।
मैं देखो सो दावत में गई थी, मगर इन्हें मेरे पूरे बुराया निकाल रहा। तुम कमेंट करके बोलो मैं कैसी दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी, नहीं दिख रही थी। बुढ़ियों के साथ बैठे तो फकत वही कुटना पना चलते रहता, इसके बाद से जवान बच्चों के पास बाके बैठी थी मैं, ताकि मैं भी अपडेट हूँ, बच्चियाँ भी अपडेट हूँ। शादी को भी बर्बादी करके आते तुम, बुढ़ियों में बैठते तो अच्छा हुआ बच्चियों में बैठे, बोल के बुढ़ियों में बैठते तो इनकी घर की कहानी उनको उनको गेंद कहानी उनको आग लग जाती थी बोलता। चली तो शादी भी तुड़ जाती थी, मगर तू मेरा दिल तोड़ दिया। शादी में जाके गलती कर।